हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विजय। ये हमारा 13 ट्यूटोरियल है XHTML का और CSS का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कहते हैं आप किसी भी कॉलम टेबल के कॉलम को कैसे बढ़ा सकते हैं। सपोज कीजिए आपने एक टेबल बनाई जिसमें आप चाहते हैं कि जो पहला हेडर है वो दो कॉलम की जगह ले ले। तो देखिए, हम इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में हमने एक टेबल बनाई थी जिसका आउटपुट इस तरीके से आया था। आज हम क्या करेंगे, जो हमारा इसके ऊपर हम एक और क्या कहते हैं हेडर बनाएंगे, जो कि हमारा दो कॉलम को हमारा कवर करेगा। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा हेडर है इसमें एक और पहले रो ऐड करेंगे। कॉपी कर लेते हैं इसे, और इसमें हमारा, अगर आपने इससे पहले वाला ट्यूटोरियल ना देखा हो तो उसे ज़रूर देखिए। मैंने इसमें बताया कि टेबल कैसे बनाते हैं। देखिए, मैंने एक और नई रो ऐड करी और इसमें मैं क्या करूँगा, एक हेडर ऐड करूँगा। तो देखिए, एक ही हेडर ऐड करूंगा जो तीन कॉलम को हमारे कवर कर लेगा। तो उसके लिए हम लिखें टी एच, हमने लिखा, और यहाँ पर लिखेंगे हम सी ओ एल एस पी ए एन, कॉलम स्पेन। इसका मतलब होता है कॉलम स्पेन, कॉलम को बड़ा कर देना। तो अब देखिए, नेम जो होगा वो हमारे तीन कॉलम की जगह ले लेगा, और कितनी वैल्यू देनी, कितने कॉलम को कवर करना है, तीन कॉलम को कवर करना है। तो यहाँ पर हम पास करेंगे 3। अब देखिए, इसे सेव करते हैं। अब देखिए, अगर मैं इसे रन करूँगा रिफ्रेश करके, तो देखिए ये आपका नेम, ये नेम इसने क्या किया, ये पूरे कॉलम को हमारे तीन जो हमारे कॉलम थे, नेम, मैथ और फिजिक्स, इसको कवर कर लिया। तो इस तरीके से आप एक कॉलम में एक कॉलम को ऐसा बना सकते हैं कि जो बाकी के तीन कॉलम को हमारा कवर कर ले। तो इसका यूज़ इसलिए होता है जब हम अलग अलग रोज़ में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कहते हैं नंबर ऑफ कहते हैं कॉलम्स होती हैं, जैसे पहली रो में तीन कॉलम है, दूसरी रो में दो कॉलम है, तो उस वजह से इसका हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल विजय।